तो भाई डेली की तरह मुन्ना भैया ने आज भी मेरी गाड़ी साफ नहीं करी है। अंकल ने मकान लिया है, सीमेंट और बुरादा मिक्स करके आ रहे हैं। उसने मेरे को बोला था कि भाई ये प्रॉपर्टी है, बड़ी अच्छी, बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है। मैं देख सकता हूँ कि चीज जो है ना मेल्ट हो के बाहर आई है। जय श्री राम दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड गाइस अभी हम कोर्ट के लिए रेडी हो चुके हैं। टाइम भी ज्यादा नहीं हो रहा, टाइम हो रहे हैं सिर्फ 9:10। तो गाइस यहाँ पे अपनी है रोटी, ये रही रोटी, सब्जी बनी है छोले की, सैंडविच है, चाय है। तो फटाफट से खाते हैं, उसके बाद चलते हैं कोर्ट, बाकी रास्ते में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। चले तो भाई डेली की तरह मुन्ना भैया ने आज भी मेरी गाड़ी साफ नहीं करी है, एंड अभी करनी पड़ रही है मुन्ना भैया को। मतलब ये आदमी ये नहीं सोचते कि कोई आदमी इतनी मेहनत करके सुबह सुबह उठ के वकील बन के अपना कोर्ट जा रहा है, मैं गाड़ी साफ कर दूं। नहीं है कोई आपके पास वो मेरे पास जवाब है कोई? अब रात रात तक आदमी पबजी खेलता रहेगा, लड़कियों से बातें करता रहेगा, तो सुबह कैसे उठेगा? मेरे को इतना समझ नहीं आता। बस आज मुन्ना भैया में इतना ज्यादा खुश था कि मैं जल्दी उठ गया हूँ और जल्दी कोर्ट पहुंचूंगा। अब मेरे को लग रहा है दोबारा जाम में फंसना पड़ेगा आज। ये सब पेंट पता नहीं कहाँ से गिर गया, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं वाइट वाइट सा पेंट सा गिरा भाई। ये रहा, ये तो भाई गंदी पड़ी है, धूल मिट्टी खा रही है ये तो। फाइनली गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। मैं बहुत ज्यादा अब लेट हो गया हूँ क्योंकि मुन्ना भैया ने गाड़ी साफ नहीं करी थी, एंड फिर मैंने सोचा कि भाई आगे पानी भी डलवा लो बोनट के अंदर, गाड़ी भी साफ कर लो, एलॉय भी साफ करवा लो, मैट भी साफ करवा लो, सब करवा लो, बट ये चीज उनको पहले करनी चाहिए। अगर मुन्ना भैया व्लॉग देख रहे हो ना तो भाई अगली बार से मेरी गाड़ी जल्दी साफ कर देना, मैं हो जाता हूँ लेट, उसके बाद बहुत ट्रैफिक मिलता है, कसम से कह रहा हूँ मैं। तो अभी चलते हैं फटाफट से बिना देरी के। मैं तो मेरा इशू वो नहीं है, वो कोई कम नहीं है, बहुत अच्छा वकील है, लेकिन उसने तो वो अपीयरेंस तो कभी दे, दो तारीख में अपीयरेंस ही नहीं दे रहे। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग कोर्ट से वापस आ गए थे अपने चैम्बर के अंदर, एंड अभी मैंने मंगवाई है लस्सी क्योंकि भाई बहुत ज्यादा गर्मी है आज, पता नहीं कितनी धूप है। दिव्यम भी आज पसीने हो रखा है, आज हमारा एक एसोसिएट नहीं आए, बड़े एसोसिएट नहीं आए पीयूष साहब, तो वो आज छुट्टी पे हैं। मनीष भी चले गया जल्दी जल्दी, नहीं रोहिणी कोट गए, रोहिणी कोट गया है, चलो ठीक है। बाकी दिव्यम अपनी सेटिंग से मिल के आया था अभी परसों, तो अभी वो मेरे को उसके बारे में बता रहा था। झूठा। तो भाई कोई नहीं, अभी लस्सी पीते हैं, लस्सी पी के थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा, उसके बाद चलते हैं, एक जगह जाना है आज काम से। अब पैसे तुम्हारे खर्च होने पर किसी को पर क्या खर्च करें, पैसे है आ रहे हैं तो खर्च होता। चार तरह के जरूरत कर रहा हूँ, 5-10 मिनट में करता। ये तो बता दो केमिकल मिक्सचर कौन सा बनाया है, आज बना के आ रहा हूँ एक बढ़िया वाला। अंकल ने मकान लिया है, सीमेंट और बुरादा मिक्स करके आ रहे हैं। नहीं चश्मा लग अच्छा रहा है, जवान लग रहे हो। काले चश्मे सुबह पड़ोसी ने कहने लगी कि अरे जो मार रहा है भगवान, मजाक वाली बात है। तो एक वो पड़ोसन कहने लगे कि सवेरे आपने काले चश्मे पहन रखे, था व्हाइट पहन रखा है, मैं काला चश्मा इसलिए पहनता हूं अगर किसी को आंख मारे तो दिखती नहीं है। चंबल आज पड़ी वो पड़ोसन ठीक है। और गाइस तो जस्ट अभी पहुंचा हूं मैं इंदरलोक मेट्रो स्टेशन, एंड मेरी सीट की आप हालत देख सकते हो, मतलब भाई ऐसे हो रखी है सीट मेरी क्योंकि ये भाई ने चलाई होगी पक्का, खड़ी अड़ी करी होगी तो टेढ़ी कर दी पूरी सीट। भाई अपना बॉयज का तो ऐसा ही है, पूरा आराम करके फिर चलाते हैं गाड़ी। बाकी मैंने इंदर लोग गाड़ी खड़ी कर दी थी आज क्योंकि मैं सुबह लेट हो गया था, तो मैंने सोची कि भाई कोई फायदा नहीं है, कोर्ट में पहुंच नहीं पाऊंगा, तो इसलिए अच्छा है कि इंदर लोग खड़ी कर देते हैं गाड़ी। बाकी अभी फिलहाल एट प्रेजेंट मैं अपने दोस्त को फोन कर रहा हूँ, एंड मैं जा रहा हूँ पीतमपुरा एक प्रॉपर्टी देखने। उसने मेरे को बोला था कि भाई ये प्रॉपर्टी है, बड़ी अच्छी, बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है, तो अगर कोई कॉन्टेक्ट है किसी तरह बिक सकती है, निकल सकती है, तो भाई तू कर, थोड़ा ट्राई कर, एंड यार कोई बुराई नहीं है थोड़े एक्स्ट्रा काम करने में। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ पीतमपुरा प्रॉपर्टी देखने, वीडियो भी बनाएंगे उसकी, उसके ऊपर एक व्लॉग भी बनाएंगे स्पेशली अलग से, एंड वो मैं इसी पे अपलोड करूंगा, एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बंदा भी इंटरेस्टेड है उसको ले सकता है। अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं एंड सीधा चलते हैं पीतमपुरा। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हमने घर देख लिया, एंड जो घर का व्लॉग है, जो पूरा व्लॉग है, वो आएगा कल मेरे ही चैनल के ऊपर, तो आप कल देख सकते हैं उस वाले व्लॉग को, मतलब जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा, आपको पता भी चल जाएगा। तो बहुत ही सुंदर घर है, बहुत ही बढ़िया घर है, मतलब यार देख के मजा आया भाई, 300 गज का घर है यार, इतना बड़ा स्पेस एंड इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड, हर चीज के लिए इतना इतना स्पेस दे रखा है, बाहर बालकनी तो भाई गजब थी, मतलब शाम को बैठ के चाय पीने का ना मस्त मजा आएगा वहाँ पे। तो गाइस अभी चलते हैं फटाफट से घर, मेरे को भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है, छोले तो मैं नहीं खाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, दो बार छोले खा लिए क्योंकि मैंने, कुछ और ही खाऊंगा, देखते हैं क्या खाना है। ऑलराइट गाइस, तो घर पे आ चुके हैं, मैंने यहाँ पे अपना कोट रख दिया, वेस्ट कोट रख दिया, एंड ये रही हमारी अम्मा, पता ये लो बन गया, ये देखो ये देखो, मम्मी मम्मी को किसी ने बोल दिया कि कैसी कैसी वीडियो डालता रहता है आपकी ये,
तो तब से मम्मी ना अपना मुंह छुपा लेती हैं ऐसे करके। तो मम्मी का तो चलता रहेगा, अभी फिलहाल मैं थक गया हूँ क्योंकि भाई लिफ्ट अभी भी चालू नहीं हुई है एंड मेरे को स्टेयर से ऊपर आना पड़ा है तो बहुत ज्यादा थकावट हो चुकी है। बट कोई बात नहीं, अब वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर कुछ खाते हैं। छोले तो नहीं खाने वाला मैं छोले नहीं खाऊंगा। हेलो, छोले नहीं खाऊंगा मैं, दो बार खा चुका हूँ छोले। तो मेरे लिए क्या बनाओगे फिर? मैं कुछ और बना दूंगी, पर निकल मेरे कमरे में से। ओके भाई, देख लो बच्चा इतना थका आ रहा कोर्ट से आया है, उसके बाद बच्चा चाय भी खुद बना रहा है एंड बच्चा मैगी भी खुद ही बना रहा है। तो मैंने बोला था कि मैं छोले तो नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं अपने लिए मैगी बना रहा हूँ, अपने लिए मैं चाय बना रहा हूँ, सबके लिए मैं चाय बना रहा हूँ एंड मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मम्मी वहाँ बातें बना रही है, चाय भी चढ़ा के मेरे को संभाल, तू संभाल, मैगी भी मैं ही बनाऊँ क्योंकि मैं अच्छी बनाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने अपने लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने ली दो ब्रेड, उसके बीच में डाली मैंने खूब सारी चीज, श्रेडेड चीज, उसमें डाली मैंने टमाटो, उसमें डाली मैंने कैप्सिकम एंड उसके बाद मैंने उसको किया माइक्रोवेव। तो ये अभी आप देख सकते हो इसके अंदर घूम रहा है एंड मैं देख सकता हूँ कि चीज जो है ना मेल्ट हो के बाहर आई है। तो मेरे को रिजल्ट का वेट है कि रिजल्ट कैसा आया है। फिलहाल ये बंद हो चुका है, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट है एग्जैक्टली। एंड भाई खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है एंड ये देखो, ओ माई गुडनेस, बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो गाइज ये आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ भी पिघली हुई है, अंदर मैंने कैप्सिकम टोमेटो डाला था वो भी बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ में मिक्स हो गया है। तो अभी इसको बाहर निकालते हैं, होपफुली ज़्यादा गर्म ना हो, गर्म तो है बट ओके। तुम्हारा भाई बन चुका है शेफ एंड ये क्या कमाल की चीज़, मतलब देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही है, वो गर्म है भाई, देखने में तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। अब खाने में देखते हैं कैसी है। अम्मा टेस्ट करो अपन की क्रिएशन, ये लो आज तक आपने खिलाया है ग्रिल्ड सैंडविच, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइट जला दो, आज अपन आपको खिला रहे लाया अम्मा मेल्टेड चीज, श्रेडेड चीज वेजिटेबल सैंडविच। क्या बोलती हो? अरे ऐसे नहीं ना, उठ के खाओ ना, गिर जाएगा, अगर गिरा तो देख लेना फिर। अभी मुझे इसका टेस्ट ही नहीं आएगा। क्यों? बर्फ इतनी सारी। तो गाइस मैं खाता हूँ एंड मैं बताता हूँ कि कैसा बना है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने टेस्ट कर लिया है एंड भाई बन रहा हूँ ना भाई, चीज का जो टेस्ट मेरे को चाहिए था ना वो टेस्ट मेरे को मिल रहा है एंड जो मैंने सोचा था वैसे ही बना है, मतलब बहुत ज्यादा वैसा नहीं, बहुत ज्यादा वो नहीं, बट अच्छा बना है, मतलब खाने में टेस्ट आ रहा है। अगर मैं इसमें बीच में थोड़ी सी पिज्जा केचप और लगा देता ना भाई साहब, डोमिनोज फेल, इतना टेस्टी बनाइए। चाय में इसको खाता हूँ, फिर अपनी चाय पीता हूँ, फिर पड़ जाऊंगा मैं, सो जाऊंगा। तेनू जो लगता मैं ओ नहीं,